तो हम शुरू करते हैं आज एक नए टॉपिक के साथ, जो कि है जनरल अवेयरनेस ऑफ किरण। एसएससी किरण की बुक है, और इसका जो पहला चैप्टर है वह इंडियन हिस्ट्री। तो आज इस वीडियो में सिर्फ हम लोग टाइप वन करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में टाइप 2 और टाइप 3 करेंगे, और ऐसे ही पूरी एसएससी किरण की बुक ख़त्म करेंगे। तो गाइस, तो हमारा पहला जो क्वेश्चन है, टाइप 1 का पहला क्वेश्चन है इंडियन हिस्ट्री का, विच अमंग द फॉलोइंग क्रोनोलॉजी इज करेक्ट रिगार्डिंग 4 संवत्स। तो पहले तो जानते हैं संवत क्या होता है। संवत इज ऑन एनी ऑफ द वेरियस हिंदू कैलेंडर्स इन इंडिया। देयर आर सेवरल कैलेंडर्स इन यूज। द शाका संवत इज एसोसिएट विद 78 AD, गुप्ता संवत विद 320 AD एंड हिजरी संवत विद 622 AD। द फर्स्ट ईयर ऑफ हिजरी एरा वाज द इस्लामिक ईयर बिलोंगिंग इन AD 622, ड्यूरिंग विच द इमिग्रेशन ऑफ मोहम्मद फ्रॉम मक्का टू मदीना नोन एज द हिजरा ऑकर्ड द ग्रिजोरियन कैलेंडर ऑल्सो कॉल्ड द वेस्टर्न कैलेंडर एंड द क्रिश्चियन कैलेंडर। इट इज़ द इंटरनेशनली एक्सेप्टेड सिविल कैलेंडर। इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाई पोप ग्रेगरी XIII, आफ्टर हुम द कैलेंडर वॉज नेम्ड बाई अ डिक्री साइनड ऑन 24 फरवरी 1582। तो इसका आंसर तो पहले तो होगा शाका सामवत, शाका सामवत, और इस ऑप्शन में 4 ऑप्शन में शाका तो पहला यही है, शाका फिर जॉर्जियन है, लेकिन इसमें तो गुप्ता हुआ है, गुप्ता सामवत होगा, तो शाका के बाद गुप्ता तो है ही नहीं, तो इनमें से कोई आंसर नहीं होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या है द होम ऑफ गार्गी बैटरी एंड कपिला वाज एट। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 मिथिला ये होगा। तो इसके बारे में थोड़ा जानते हैं क्या होता है। द नेम मिथिला गोज बैक टू पुरानिक टाइम्स। इट ऑकर्स इन द महाभारत एंड इन पाली लिटरेचर। अकॉर्डिंग टू द पुरानिक ट्रेडिशन द नेम हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम दैट ऑफ मिठी सन ऑफ निमी किंग ऑफ अयोध्या एंड ग्रैंड सन ऑफ मनु founded a kingdom which was called Mithila after him. It is associated with Valmiki, Ashwatha, Ashtavakra, Yajnavalkya, Udayana, Mahavira, Kanada, Jaimini एंड कपिला, एज वेल एज द होम वुमेन फिलोसोफर सच एज गार्गी मैट्री भारती एंड कात्यायनी। आफ्टर द एरा ऑफ द रामायण इट इज सेड दैट द 3 सीट्स ऑफ कल्चर इन वैदिक पीरियड गौशाला काशी एंड विदेहा मर्जेस टू फॉर्म द वाजियंस कॉन्फेडरेंसी एंड द सेंटर of political gravity shifted from Mithila to Vaishali. Okay, question number third क्या है, which area of the India was known as Avantika in ancient times. तो कौन से area India में known करता है कहा जाता है Avantika in ancient times. तो ancient times में उज्जैन यानी कि अवंतीपुरी यानी इज एन एशियन सिटी ऑफ मालवा। मालवा हमारा आंसर होगा, जो कि एंशियन टाइम की, जिसको अभी हम लोग उज्जैन के नाम से जानते हैं,
ये सेंट्रल इंडिया में है, ऑन द ईस्टर्न बैंक ऑफ काशीपुरा रिवर, टुडे पार्ट ऑफ द स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश। ठीक है, अभी तो मध्य प्रदेश का पार्ट है। अवंती विथ इट्स कैपिटल एट उज्जैन इज मेंशन इन बुद्धिस्ट लिटरेचर एज सून एज वन ऑफ द फोर ग्रेट पावर्स अलोंग विथ वत्सा, कौशाला एंड मगध। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है ना, क्वेश्चन नंबर 4, द सोशल सिस्टम ऑफ हरप्पन्स। द सोशल सिस्टम ऑफ हरप्पन, इसका क्या आंसर होगा? आंसर नंबर 1, यानी कि फेयरली इगेलिटेरियन, फेयरली इगेलिटेरियन होगा इसका आंसर। तो इसका इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। तो आर्कियोलॉजिकल रिकॉर्ड ऑफ द इंडस सिविलाइजेशन प्रोवाइड्स प्रैक्टिकली नो एविडेंस ऑफ आर्मीज, किंग्स, स्लेव्स, सोशल कॉन्फ्लिक्ट, प्रिजन्स एंड अदर ऑफन निगेटिव ट्रेंड्स दैट वी ट्रेडिशनली एसोसिएटेड विथ अर्ली सिविलाइजेशंस। इफ देर वेर नाइदर स्लेव्स नॉर किंग्स, अ मोर इगेलिटेरियन सिस्टम ऑफ गवर्नेंस मे हैव बीन प्रैक्टिस्ड। बिसाइड्स कंपेयर टू अदर एंशियंट सिविलाइजेशन, द हाउसेज वेयर ऑफ नियरली इक्वल साइज, इंडिकेटिंग अ मोर इगेलिटेरियन सोशल स्ट्रक्चर, इज दैट द सोशल सिस्टम ऑफ द हरप्पन वॉज फेयरली इगेलिटेरियन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग वेदास प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट द सिविलाइजेशन ऑफ द अर्ली वैदिक पीरियड। तो कौन सी ऐसी वेदा जो है वो बताती है कि सिविलाइजेशन ऑफ अर्ली वैदिक एज वो कौन सी है? वो है ऋग्वेदा। ऋग्वेदा हमारा आंसर होगा। ऋग्वेदा बताती है इंफॉर्मेशन सिविलाइजेशन ऑफ द अर्ली वैदिक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, द यूनिवर्सिटी विच बिकेम फेमस इन द पोस्ट गुप्ता एरा वाज, कौन सी यूनिवर्सिटी थी? तो ये नालंदा यूनिवर्सिटी थी, जो कि गुप्ता पोस्ट गुप्ता एरा के टाइम में बहुत फेमस थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बन्ना भाटा वाज द कोर्ट पोएट ऑफ विच एम्पायर। तो कौन से एम्पायर है बन्ना भाटा? तो वो थे हर्षवर्धन एम्पायर कोर्ट के पोएट थे। हर्षवर्धन एम्पायर कोर्ट के पोएट थे बन्ना भाटा। नेक्स्ट क्या है, द फर्स्ट इंडियन रूलर हु एस्टैब्लिश्ड द सुप्रीमेंसी ऑफ इंडियन नेवी इन द अरेबियन सी। तो वो कौन थे? ऑप्शन पढ़ते हैं, ऑप्शन क्या है? ऑप्शन क्या है हमारे पास? राजा राज फर्स्ट, राजेंद्र फर्स्ट, राजा धीरज धीरजा फर्स्ट, कुलोथुंगा। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा फर्स्ट, राजा राज फर्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच क्वेश्चन नंबर 9, विच स्टेटमेंट ऑन द हरप्पन सिविलाइजेशन इज करेक्ट। इसमें से कौन सी स्टेटमेंट है जो हरप्पन सिविलाइजेशन के बारे में सही कही गई है? तो कौन सी स्टेटमेंट जो है सही कही है? द कल्चर वॉज नॉट जनरली स्टैटिक, द कल्चर वॉज नॉट जनरली स्टैटिक। इस तो हरप्पन सिविलाइजेशन में ये चीज़ करेक्ट कही गई है, द कल्चर वॉज नॉट जनरली इस्टैब्लिश्ड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि द फर्स्ट तीर्थकर ऑफ द जैन्स वाज, कौन थे फर्स्ट तीर्थकर? कौन थे? तो फर्स्ट तीर्थ ऋषभा जो थे वो फर्स्ट तीर्थकर थे जैन के। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाए, द ग्रेट सिल्क रूट ऑफ टू द इंडियंस वाज ओपेंड बाई, द ग्रेट सिल्क रूट टू द इंडियंस वॉज ओपेंड बाई किसने ओपन किया था? तो वो थे कनिष्का थे जिन्होंने ओपन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 2, द रूलर्स ऑफ विच डायनेस्टी स्टार्टेड द प्रैक्टिस ऑफ ग्रांटिंग टैक्स फ्री विलेजेस
टू द ब्राह्मण्स एंड द बुद्धिस्ट मॉन्क्स। तो वो कौन थे? तो वो थे सत्वानास थे, जो कि रूलर थे, जिन्होंने स्टार्ट किया था प्रैक्टिस ऑफ ग्रांटिंग टैक्स प्रिविलेजेस टू ब्राह्मण्स एंड बुद्धिस्ट मॉन्क्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टेक्स्ट ऑफ वैदिक मैथमेटिक्स। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टेक्स्ट ऑफ वैदिक मैथमेटिक्स कौन थे? ये थे सुलभ सूत्रास, 16 सूत्रास। तो 16 सूत्रास जो है वो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट टेक्स्ट ऑफ वैदिक मैथमेटिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बताए? यवनिका और कॉटेन वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया इंडियन थिएटर बाई विच ऑफ द फॉलोइंग। तो इनमें से ग्रीक्स ग्रीक्स जो होगा ना वो यवानिका और कॉटेन इंट्रोड्यूस किए थे ग्रीक्स ने इंडियन थिएटर बाई विच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हु स्टार्टेड द शाका एरा विच इज स्टिल यूज बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो शाका एरा किसने स्टार्ट किया था? तो ये थे कनिष्क ने शाका एरा को इस्टेब्लिश किया था और स्टार्ट किया था, और वो अभी भी इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यूज़ करी है। व्हाट इंस्पायर्ड पेंटिंग्स ऑफ अजंता? अजंता की पेंटिंग्स क्या इंस्पायर करती है? तो कॉम्पैशनेट बुद्धा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हु अमंग द फर्स्ट टू इन्वेड इंडिया? फर्स्ट टू इन्वेड इंडिया कौन था? वो था डेरियस फर्स्ट, जो कि फर्स्ट इन्वेट किया था इंडिया में। विच अमंग द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट डायनेस्टी? ओल्डेस्ट डायनेस्टी कौन थी? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट डायनेस्टी? तो मौर्य डायनेस्टी इज द ओल्डेस्ट डायनेस्टी। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? मौर्य डायनेस्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विथ विच ऑफ द फॉलोइंग इज द क्लासिक जीवा का चिंतमणि इन तमिल एसोसिएटेड? तो तमिल एसोसिएटेड विथ ये है जैनीज किसे जो एसोसिएटेड है क्लासिक जीवा का चिंतन मनी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन वेयर डिड लॉर्ड बुद्धा? ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? वेयर डिड लॉर्ड बुद्धा ब्रेथ इज लास्ट? ठीक है, तो लॉर्ड बुद्धा ने आखिरी सांस कब ली थी? ये कहाँ ली थी? कुशीनगर में ली थी। ठीक है, कुशीनगर। ठीक है, हु वेयर द फर्स्ट किंग्स टू इशू गोल्ड कॉइन्स इन इंडिया? तो पहले किंग कौन थे जिन्होंने गोल्ड कॉइन इंडिया में इशू किया था? वो थे इंडो ग्रीक्स। ठीक है, इंडो ग्रीक्स ने पहले फर्स्ट किंग्स थे जो कि गोल्ड कॉइन इशू किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? वेयर इज बृहदेश्वर टेम्पल सिचुएटेड? बृहदेश्वर टेम्पल कहाँ पे सिचुएट किया गया है? तो ये सिचुएट है, ये है तंजोर में सिचुएटेड है। ठीक है, ये तंजोर में सिचुएटेड है। इन तमिल लिटरेचर द ग्लोरियस बुक्स शिल्पादिकरम एंड मणिमेखलाई आर रिलेटेड टू, ये किससे रिलेटेड है? ये है रिलेटेड बुद्धिज्म से, ये बुद्धिज्म से रिलेटेड है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हु एस्टैब्लिश्ड महाबलपुरम? महाबलपुरम किसने इस्टेब्लिश किया था? तो पल्लवा ने इस्टेब्लिश किया था महाबलपुरम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन द शाका एरा कॉमेंसिंग फ्रॉम AD 17 वॉज फाउंडेड बाई? शाका एरा कॉमेंसिंग फ्रॉम AD वॉज फाउंडेड बाई कनिष्क। कनिष्क ने शाका एरा को बनाया था AD 70 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि गणहद्रा स्कूल ऑफ आर्ट केम इनटू एग्जिस्टेंस इन गणहद्रा स्कूल ऑफ आर्ट्स केम इनटू एग्जिस्टेंस इन महायाना सेक्ट? ठीक है, महायाना सेक्ट होगा। आउट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिमेन्स एक्सकैविटेड इन इंडस वैली? विच वन इंडिकेट्स द कमर्शियल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट? ठीक है, तो ये क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा? सील्स। सील्स जो बताता है जो कि एक्सपेक्टेड इन इंडस वैली और इंडिकेट करता है कमर्शियल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन यार, हु अकॉर्डिंग टू द बुद्धिस्ट इज बिलीव्ड टू बी द नेक्स्ट नेक्स्ट इनकार्नेशन ऑफ गौतम बुद्ध। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का होगा मैत्रेय। ठीक है, हु अमंग द फॉलोइंग वेयर द कॉन्टेम्पोरीज ऑफ कनिष्क। कॉन्टेम्पोरीज ऑफ कनिष्क कौन थे? कॉन्टेम्पोरीज ऑफ कनिष्क, तो इसका आंसर होगा नागार्जुन, अश्वघोषा और वशुमित्र। वशुमित्र ये तीन थे, नागार्जुन, अश्वघोषा, वशुमित्र। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 30, विच रूलर्स बिल्ड द एलोरा टेम्पल्स। एलोरा टेम्पल्स कौन से रूलर्स ने बिल्ड किया था? तो वो थे राष्ट्र थे जिन्होंने बिल्ड किया था एलोरा टेम्पल्स को। हु अमंगस्ट द फॉलोइंग आल्सो हैड द नेम देवनामा पिया दासी। देवनामा पिया दासी, ओके, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका होगा मौर्यन किंग अशोका। मौर्यन किंग अशोका जो थे वो थे देवनामा पियादासी के। ठीक है, द सब्जेक्ट मैटर ऑफ अजंता पेंटिंग पर्टेंस टू बुद्धिज्म को पर्टेंस करता है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्राफ्ट्समैनशिप वॉज नॉट प्रैक्टिस्ड बाई द आर्यंस। कौन सा था जो कि कौन सा इनमें से कौन सा है जो नहीं प्रैक्टिस किया गया था? नहीं नो पूछा है, नॉट प्रैक्टिस बाई द आर्यंस, कौन सा नहीं प्रैक्टिस किया था? तो वो था ब्लैक स्मिथ। ठीक है, नेक्स्ट है मोहम्मद बिन कासिम कॉन्क्वर्ड सिंध इन द ईयर, कौन सा ईयर था? तो ये था 1712 AD। ठीक है, द वर्ड सत्यमेव जयते इन द स्टेट एम्बलम ऑफ इंडिया वेयर टेकन फ्रॉम, तो ये कहाँ से लिया गया था? सत्यमेव जयते ये लिया गया था हमारे उपनिषद से। ठीक है, द अर्लीस्ट सिटी डिस्कवर्ड इन इंडिया वाज, तो सबसे पहले कौन सी सिटी खोज की गई थी? ये होती हड़प्पा सिटी खोज की थी। द फेमस रॉक का टेम्पल ऑफ कैलाश इज एट, तो कैलाश टेम्पल कहाँ पे है? ये लोरा। ठीक है, लोरा में है। नेक्स्ट क्या है? इपिग्राफी मीन्स इपिग्राफी इपिग्राफी मतलब क्या है? इपिग्राफी जो है वो है द स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शंस, द स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शन को बोलते हैं इपिग्राफी। विच अमंग द फॉलोइंग हैज नॉट बीन फाउंड इन द एक्सकेवेशन ऑफ हरप्पन साइट्स एक्सकेवेशन ऑफ हरप्पन साइट्स हैज नॉट बीन फाउंड, कौन सा है? तो वो है टेम्पल विथ शिखर। ठीक है, विच अमंग द फॉलोइंग MATH इज रिलेटेड विथ बुद्धिज्म, मैथ इज रिलेटेड विथ, कौन सा है? ये है चैत्य है। वेयर हैज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मोनोलिथिक स्टैचू ऑफ बुद्धा बीन इंस्टॉल्ड, तो कहाँ पे ये इंस्टॉल्ड है? ये है बामियन में इंस्टॉल्ड है। नेक्स्ट क्या है? द हरप्पन सिविलाइजेशन वाज डिस्कवर्ड इन द ईयर, हरप्पन सिविलाइजेशन कब डिस्कवर किया था? इन द ईयर, कौन से ईयर में? तो ये है 1922 में हरप्पन सिविलाइजेशन जो है डिस्कवर हुआ था। द टाइटल इंडियन नेपोलियन हैज बीन अटैच टू, इंडियन नेपोलियन अटैच्ड है किस टाइटल से? वो है समुद्रगुप्त ने दिया था टाइटल इंडियन नेपोलियन को। ठीक है, और समुद्रगुप्त की कब से कब तक थी? 1335 से 375 AD तक इनकी गुप्ता डायनेस्टी में ये थे, और इनको नेपोलियन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द अजीविकास वेयर अ क्या है ये अजीविकास? सेक्शन कॉन्टेम्प्री टू द बुद्धा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द ऑर्गेनिक रिलेशनशिप बिटवीन द एंशियंट कल्चर ऑफ द इंडस वैली एंड द
हिंदुज्म ऑफ टुडे इज प्रूव बाय द वर्शिप ऑफ स्टोन्स ट्रीज एंड एनिमल्स. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाउ इज द बुरमा नाउन म्यांमार नोन है नोन टू एंशंट इंडियंस को क्या नाउन था, तो ये नाउन था सुवर्ण भूमि. वाह. विथ होम इज जूनागढ़ रॉक इंस्क्रिप्शन एसोसिएटेड. जूनागढ़ रॉक इंस्क्रिप्शन एसोसिएटेड है किससे, रुद्र दमन से. ठीक है, नालंदा यूनिवर्सिटी वॉज अ ग्रेट सेंटर ऑफ लर्निंग स्पेशली इन बुद्धिज्म. इसका आंसर क्या होगा, स्पेशली इन बुद्धिज्म. ठीक है, द राथाज ऑफ महाबलीपुरम वॉज बिल्ड ड्यूरिंग द डिजाइन ऑफ, किसके डिजाइन के बाद बिल्ड किया गया था, तो वो थे पालवास के बाद. हु इज हेल्ड एज द गॉड ऑफ मेडिसिन बाई द प्रैक्टिशनर्स ऑफ आयुर्वेदा. ठीक है, तो ये इसका क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ये होगा धनवंतरी. ठीक है, विच वॉज द ओनली इंडियन इन द साइट विथ एन आर्टिफिशियल ब्रिक डॉकयार्ड. आर्टिफिशियल ब्रिक डॉकयार्ड कौन सा, किस इन द साइड में है, वॉयल लोथल में. विच डायनेस्टी सक्सीड द चालुक्याज इन द वेस्टर्न इंडियन चालुक्याज, को कौन सी डायनेस्टी ने किया था, तो ये है राष्ट्रकूट. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अप टू वेयर डिड चंद्रगुप्त मौर्य एम्पायर एक्सटेंडेड इन द नॉर्थ वेस्ट में कहाँ तक है एक्सटेंड किया था चंद्रगुप्त ने, तो ये क्या था, इन्होंने हिंदू कुश रेंज था. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नहीं 53 का क्या है, कि इंदस रिवर तक किया था, सॉरी 53 का इंदस रिवर तक होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 54 नंबर, प्रिंस इलारा कॉन्क्वर्ड श्रीलंका इन द सेकेंड सेंचुरी BC विथ विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टीज ऑफ द्राविड़ा रूलर वाज ही एसोसिएटेड, तो कौन सा था, तो ये था चोला था. और इलारा का जो टाइम पीरियड था वो कितना था, 235 BC से लेके 161 BC तक. और इनको मनु निधि चोलन वाज चोला किंग फ्रॉम चोला किंगडम. ठीक है, इनको मनु निधि चोलन कहा जाता था. और इन ये कहाँ, अभी कहाँ है ये, प्रेजेंट डे में ये साउथ इंडिया है. और जो कि श्रीलंका में रूल किए थे 205 BC से लेके 161 BC तक. ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हर्षवर्धन ऑर्गेनाइजेज हिज रिलीजियस असेंबली एट, कहाँ पर ऑर्गेनाइज किया था, प्रयाग में ऑर्गेनाइज किया था इन्होंने. और नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स वाज एब्सेंट इन द टेराकोटास ऑफ द इंडस सिविलाइजेशन, तो ये कौन होंगे, तो ये थे काऊ. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज द सेक्रेट बुक ऑफ बुद्धिस्ट, तो कौन से था, ये था त्रिप्तिका. ठीक है, द ग्रेटेस्ट डेवलपमेंट इन द कुशाना पीरियड वाज इन द फील्ड ऑफ, कौन सा था ये फील्ड, ये था आर्ट के कुशाना पीरियड में ग्रेटेस्ट डेवलपमेंट जो हुआ वो आर्ट का हुआ. वाज द फर्स्ट नॉन गुप्ता रूलर, तो फर्स्ट नॉन गुप्ता रूलर कौन है, वो है श्री गुप्ता. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वाज द ओनली इन द सिटी विदाउट अ सिटाडेल, तो ये है चनहुंदारो है. अशोका कॉल्ड द थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल एट, तीसरी बुद्धिस्ट काउंसिल अशोका ने कॉल की थी, वो कहाँ पे, पाटलिपुत्रा में. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द ट्यूटर ऑफ
ट्यूटर ऑफ एलेक्जेंडर द ग्रेट वाज, तो एलेक्जेंडर द ग्रेट के ट्यूटर कौन थे? वो थे एरिस्टोटल, एरिस्टोटल। विच ऑफ द फॉलोइंग लिटरेरी वर्क्स बिलोंग टू क्लासिकल संस्कृत लिटरेचर? तो क्लासिकल संस्कृत लिटरेचर ये कौन थे? मेघदत्तम, मेघदत्तम ये थे, मेघदत्तम। ठीक है, नेक्स्ट क्या? हु प्रोपाउंडेड द एट फोल्ड पाथ फॉर द एंड ऑफ मिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड? मिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड ये क्या था? ये था गौतम बुद्ध, ये थे गौतम बुद्ध। नेक्स्ट है, द नंबर सिस्टम 0 वाज इन्वेंटेड बाई रामानुजम? ठीक है, ये तो हर कोई जानता है, रामानुजम थे जो कि नंबर सिस्टम में 0 को इन्वेंट किए थे। नेक्स्ट है, चारक वाज द फेमस कोर्ट फिजिशियन ऑफ, चारक वाज द फेमस कोर्ट फिजिशियन ऑफ कनिष्क, कनिष्क के चारक जो थे वो फेमस फिजिशियन थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि बुद्धिज्म मेड एन इम्पॉर्टेंट इम्पैक्ट बाई फॉलोइंग टू सेक्शंस ऑफ सोसाइटी इन टू इट्स फोल्ड? दे वेयर, तो वो कौन थे? वुमेन एंड शूद्र, वुमेन एंड शूद्र। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लैंग्वेज यूज टू राइट सोर्स मटेरियल इन एंशियंट टाइम? सोर्स मटेरियल में जो लैंग्वेज जो है, जो लैंग्वेज राइट किया गया था वो किस में किया गया था? वो किया गया था पाली में। इंडियाज ट्रेड विद द रोमन एम्पायर केम टू एन एंड, केम टू एन एंड विद द इन्वेजन ऑफ रोम बाई द हुनास। ठीक है, मोस्ट ऑफ द चोला टेम्पल्स वे डेडिकेटेड टू, मोस्ट ऑफ द चोला टेम्पल जो डेडिकेट किया था वो शिव, शिव जी को किया गया था। बुल इन बुद्धिज्म इज एसोसिएटेड वे विच इवेंट ऑफ बुद्धाज लाइफ? तो ये था बर्थ। ठीक है, बर्थ था। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी द मोस्ट एक्यूरेट डिस्क्रिप्शन ऑफ द मौर्यन मोनार्ची अंडर अशोका? तो ये कौन थे? ये था इनलाइटनिंग डेपोटिज्म, इनलाइटनिंग डेपोटिज्म था। द इलुस्ट्रेशन नेम्स ऑफ आर्यभट्ट एंड वरम ही आर एसोसिएटेड विद द एज ऑफ कौन से एज है? गुप्ताज में थे। ठीक है, नेक्स्ट क्या? लोथल इज ए स्टेट वेयर डॉकयार्ड्स और विच ऑफ द फॉलोइंग सिविलाइजेशन वे आर फाउंड? किस सिविलाइजेशन के फाउंड करते हैं? तो ये इन द सिविलाइजेशन वैली के। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलते हैं? बुद्धा मीन्स, बुद्धा का मतलब क्या होता है? बुद्धा मीन्स क्या होता है कि द इनलाइटेंड वन, द इनलाइटेड वन का मतलब होता है बुद्धा। नेक्स्ट नेक्स्ट क्या है? वेयर डू यू फाइंड द टेम्पल ऑफ अंगकोर वट? अंगकोर वट ये टेम्पल आप कहाँ फाउंड करते हैं? तो ये थाईलैंड में। तो अंकोर, वेयर डिड यू फाइंड द टेम्पल ऑफ अंकोर? अंकोर वट, अंकोर कहाँ पड़ता है? कंबोडिया में आप फाइंड करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि हुज अचीवमेंट आर रिकॉर्डेड इन द अलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन? अलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन में किसका अचीवमेंट रिकॉर्ड किया गया है? तो ये रिकॉर्ड किया गया है समुद्रगुप्त का। द एसेंशियल फीचर ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन, एसेंशियल फीचर ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन क्या है? ऑर्गेनाइज्ड सिटी लाइफ, ऑर्गेनाइज सिटी लाइफ था इंडस वैली सिविलाइजेशन में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द कैपिटल ऑफ द पलवास? तो पलवास की कैपिटल कौन सी थी? कंची, कांची, कांची थी कैपिटल। ठीक है, पलवास की कैपिटल कौन सी थी? कांची। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि द वर्ड वेदा, वेदा मतलब क्या होता है? तो वर्ड वेदा मतलब होता है द नॉलेज, नॉलेज होता है। ठीक है, विच मेटल वाज द फर्स्ट यूज्ड बाय द वैदिक पीपल? तो कौन सा मेटल फर्स्ट यूज किया था वैदिक पीपल ने? तो कॉपर मेटल का यूज किया था
वैदिक पीपल ने द अरब्स वेयर डिफीटेड इन 738 AD बाई अरब 738 में डिफीट किए थे किसको, चालुक्यास को डिफीट किए थे, ठीक है। द इन मौर्यन डायनेस्टी कलिंगा वार टू प्लेस इन द ईयर, मौर्यन डायनेस्टी में कलिंगा वार जो था वो टुक प्लेस हुआ था कहाँ पे, कब हुआ था, कौन से ईयर में, 216 BC में हुआ था, ठीक है, 216 BC में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन 84, द केव्स एंड रॉक कट टेम्पल्स एट एलोरा आर, तो ये कौन से थे, ये हैं हिंदू, बुद्धिस्ट और जैन के हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन द सेवन पैगोडास ऑफ महाबलीपुरम आर द विटनेस ऑफ द आर्ट पेट्रोनाइज्ड बाई द किसने किया था पेट्रोनाइज, तो ये थे पल्लवास ने। नेम द क्लान बुद्धा बिलोंग टू, नेम द क्लान बुद्धा बिलोंग टू, कौन से क्लान से बिलोंग करते थे, तो शाक्य से बिलोंग करते थे। हु वाज द ऑथर ऑफ द कादम्बरी अ ग्रेट रोमांटिक प्ले, कादम्बरी ए ग्रेट रोमांटिक प्ले में हु वाज द ऑथर कौन थे, बन्नभट्टा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्यूरिंग विच गुप्ता किंग रिजाइड डिड द चाइनीज ट्रैवलर फाहीन विजिट इंडिया, तो ये कौन से गुप्ता थे, ये थे चंद्रगुप्त टू, यहाँ पर देखो आपको ऑप्शन में कन्फ्यूज करने के लिए चंद्रगुप्त फर्स्ट भी दिया हुआ और चंद्रगुप्त सेकंड भी दिया, तो यहाँ पर क्या होगा चंद्रगुप्त सेकंड, ठीक है। सेंट थॉमस इज सेड टू हैव कम टू इंडिया टू प्रोपगेट क्रिश्चियनिटी ड्यूरिंग द रिजाइन ऑफ, किसके रिजाइन में हुआ था ये हुआ था किसके रिजाइन में हुआ था, ये हुआ था परिथियंस द पीपल ऑफ द इंडस सिविलाइजेशन यूज बिल्ड देयर हाउसेज ऑफ, किस चीज़ के हाउसेज बनाते थे, ये थे पुक्का ब्रिक्स के बनाते थे। हु स्टार्टेड द शाका एरा एंड व्हेन, किसने शाका एरा स्टार्ट किया था और कब, तो शाका एरा स्टार्ट किया था कनिष्क इन 1878। इन विच स्टेट वॉज द नालंदा यूनिवर्सिटी लोकेटेड इन इंडिया, कौन सा सिटी है वो है अपना बिहार, ठीक है। विच इवेंट ब्राउट अबाउट अ प्रोफाउंड चेंज इन अशोका एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी, तो ये क्या था, ये था द कलिंगा वार, ठीक है। द मॉन्क हु इन्फ्लुएंस्ड अशोका टू इम्प्रेस बुद्धिज्म वाज, तो कौन से मॉन्क थे, वो थे उपगुप्ता, ठीक है। हर्षवर्धन वॉज डिफीटेड बाई, हर्षवर्धन जो है वो डिफीट हुए थे कब, किससे हुए थे, पुलाकेशियन, और कब हुए थे, पुलाकेशियन से हुए थे 630 BC में, हर्षवर्धन जो है वो डिफीट हुए थे 630 BC में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द गुप्ताज इज ट्रू, कौन सा स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है, तो कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, दे रूल्ड मेनली ओवर पार्ट्स ऑफ नॉर्थ एंड सेंट्रल इंडिया, नहीं तो ये किंगशिप वाज हेरिडिट्री एंड द थ्रोन आल्सो वेंट टू द एल्डेस्ट सन, हाँ ये ट्रू है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा, क्वेश्चन नंबर 97, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट कंपोज बाय हर्षवर्धन, कौन सी चीज़ हर्षवर्धन ने कंपोज नहीं की थी, तो वो थी हर्षचरित्र। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द एनिमल्स कार्वड ऑन द सरनाथ पिलर, तो ये कौन सा था, ये था डियर जो है सरनाथ पिलर पे नहीं कास्ट है, कार्व नहीं है, ठीक है। द नेक्स्ट क्वेश्चन है द कनौज असेंबली ऑर्गेनाइज बाई हर्ष वॉज हेल्ड इन हॉनर ऑफ, किसके हॉनर में हेल्ड किया गया था, तो ये था हिन शेंग। हमारा 100 क्वेश्चन क्या है, द फर्स्ट मेटल यूज्ड बाय मैन वाज, कौन सा
फर्स्ट मेटल था जो यूज किया था मैंने वो था कॉपर। कॉपर ने यूज किया था। गाइस हम लोगों ने 100 क्वेश्चन कर लिया है और अब ये वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, तो हम नेक्स्ट में बात करेंगे। तो थैंक यू गाइस, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।